मी जगदीश आणि आपण पाहत आहात एम ए न्यूज महाराष्ट्र। केंद्र सरकारच्या 3 वादग्रस्त शेती कायद्याचा विरोध म्हणून येत्या डिसेंबरला भारत बंदचे आवाहन शेतकरी संघटनांनी केले आहे। शुक्रवारी घोषणा करण्यात आली। 8 डिसेंबरच्या दिवशी टोल नाक्यावर आंदोलन करण्यात येईल। दिल्लीला येणारी सर्व वाहतूक रोखून धरण्यात येईल असा इशारा शेतकरी संघटनांनी दिला आहे। बहुजन क्रांती मोर्चा व भारत मुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम आणि त्यांच्या इतर सहयोगी संघटनांनी या मोर्चाला जाहीर समर्थन दिले। किसान आंदोलन पर केंद्र सरकार की किसान नेताओं के साथ बार बार बातचीत हो रही है, मगर बातचीत में किसी समस्या का कोई समाधान होता हुआ दिख नहीं रहा है। ऐसा लगता है कि आंदोलन को और उग्र करने की जरूरत है और ये जरूरत किसान संगठन भी महसूस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। इसलिए किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद करने का ऐलान कर दिया है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा करना जरूरी था और किसानों ने ऐसा फैसला लिया, ये बहुत अच्छी बात हुई। हम लोग 550 जिलों में किसान संगठन को भारत बंद करने के लिए मदद करेंगे। किसानों के पास 550 जिलों में 31 राज्यों में संगठन का जाल फैला हुआ नहीं है। किसान हर जिले में हर जगह उपलब्ध है, मगर संगठन नहीं है। इस वस्तुस्थिति को, वास्तविकता को हम लोग जानते हैं। इसलिए भारत भर में बामसेफ, भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा चलाए जाने वाले जो सहयोगी संगठन हैं, 78 सहयोगी संगठन हैं, उन संगठनों के कार्यकर्ताओं को आदेश दिया जाता है कि आज से भारत बंद करने की पूरी तैयारी करें। हम संगठन शक्ति के साथ पूरे शक्ति से भारत बंद का समर्थन करते हैं और इस आंदोलन में किसानों की समस्याओं का और जो कानून है वो पीछे लेने के लिए जो किसान संगठन केंद्र सरकार पर दबाव डाल रहे हैं उसका पूरे शक्ति के साथ समर्थन करते हैं। फिर एक बार मैं तमाम हमारे जो संगठन है देशव्यापी, उन संगठन के कार्यकर्ताओं को 8 तारीख को भारत बंद करने के लिए पूरे शक्ति के साथ समर्थन करने के लिए और भारत बंद करने के लिए संगठन के समस्त कार्यकर्ताओं को आदेश देता हूं कि वो पूरे शक्ति से भारत बंद करने के काम में जुड़ जाए। धन्यवाद। आज शेतकरी संघटना व सरकारची चर्चेसाठी 4थी फेरी असून या चर्चेत सरकारने आमच्या मागण्या मान्य न केल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल असा इशारा शेतकरी नेते गुरुनाम सिंह चडुनी यांनी दिली आहे। भारतीय किसान युनियनचे महासचिव HS लोखावाल यांनी शेतकऱ्यांच्या मागणे सरकार मान्य करत नसल्याबद्दल संताप व्यक्त करत येत्या 5 डिसेंबरला देशभर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या पुतळ्याचे दहन केले जाणार असल्याचे सांगितले। दिल्लीकडे येणारे सर्व रस्ते अडून धरण्यात येतील असा इशाराही त्यांनी दिला। दरम्यान शुक्रवारी आंदोलनाच्या 9व्या दिवशी नवी दिल्लीला शिंगू टकरी चिला गाजीपूर सीमेवर मोठ्या प्रमाणात पोलीस तैनात करण्यात आले आहेत। दिल्ली पोलिसांनी शहरातही वाहतुकीचे मार्ग बदललेले आहेत। लंपूर, औचंदी, साफियाबाद, PIO, मनियारी व सबोली सीमा बंद करण्यात आल्या आहेत। या आंदोलनाला संपूर्ण जगातून, कॅनडा, इटली, जर्मनीतून समर्थन मिळत आहे, पण मोदी सरकार या कायद्याबाबत इतके कठोर का? मोदी सरकार शेतकरी विरोधी कायदा मागे घेईल का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे।